हेलो एवरीवन, हम क्लास 8th की मैथ्स की एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर लिए थे, तो आगे के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8th में आपको दे रखा है, थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली दे एड अप टू 74। फाइंड दीज नंबर्स। देखिए, थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, कंसेक्यूटिव मैंने आपको बताया था लगातार जो एक सीरीज में होते हैं, जैसे 2, 3, 4, ठीक है, एक लाइन से चल रहा हूं। तो जब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में, लाइक 2 है तो दूसरा 3 हुआ और उसके बाद वाला 4 इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और जो भी नंबर्स होंगे उनको आपको मल्टीप्लाई करना है 2, 3 और 4 से, और जब आप उन नंबर्स को एड करोगे तो एड करके आएगा 74। तो वो नंबर्स क्या होंगे? पहली बात तो हमें नंबर्स नहीं पता कि वो थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कौन कौन से हैं, तो हम उनको अज्यूम कर लेते हैं। ओके, तो हम लिखेंगे लेट द थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बी, हमने माना एक्स, फर्स्ट नंबर हमने मान लिया एक्स, कंसेक्यूटिव है, मैंने आपको पहले भी बताया था। फॉर एग्जांपल, ये जो एक्स है ये 2 है, तो इसके नेक्स्ट वाला नंबर क्या होगा? इस 2 में मैं प्लस कर दूंगी 1, इट मीन्स 3, और इसके नेक्स्ट वाला नंबर क्या होगा? इस 2 में मैं ऐड कर दूंगी 2, इट मीन्स 4। मतलब ये जो x है इसमें मैंने 1 ऐड करा तो ये आया, इस x में मैंने 2 ऐड करा तो ये आया। इट मीन्स थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या जाएंगे? x, x प्लस 1 एंड x प्लस 2। ओके, यहां तक क्लियर हुआ आपको? आपको दे रखा है एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, 3, 4 रेस्पेक्टिवली, मतलब ये जो नंबर्स हैं इनको आपको 2, 3 और 4 से क्या करना है? मल्टीप्लाई। इट मीन्स 2 का मल्टीप्लाई x से करूंगी तो 2x हो जाएगा, प्लस 3 का मल्टीप्लाई x प्लस 1 से करना है, प्लस 4 का मल्टीप्लाई x प्लस 2 से करना है। जब आप इनको ऐड करोगे, मतलब मैंने इनको ऐड कर लिया, तो मुझे क्या मिलेगा? 74। इन सबको ऐड करके कितना आएगा? 74। तो चलिए सॉल्व करते हैं, इक्वेशन तो बन गई। ये है 2x, मैंने आपको बताया था ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर होता है तो उसका मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर है उनसे होता है। इट मीन्स 3 इंटू एक्स, 3x प्लस 3 इंटू 1, 3 प्लस 4 इंटू एक्स, 4x प्लस 4 टू जा 8 इज इक्वल टू 74। ओके, अब x x के टर्म्स को हम ऐड कर लेंगे क्योंकि सब ऐड का ही है, इधर माइनस तो कुछ दे नहीं रखा। 2x प्लस 3x प्लस 4x कितना हो जाएगा? 9x प्लस, ये दोनों नंबर हैं, 8 प्लस 3 11 इज इक्वल टू 74। अब हमें क्या करना है? नंबर्स को एक तरफ करना है। इट मीन्स 11 इधर है तो इज इक्वल टू, मैं LHS से RHS में जाएगा 11, तो कितने का हो जाएगा? प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो हम लिखेंगे ट्रांसपोज 11 फ्रॉम LHS टू RHS, तो हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 74, प्लस का है, इधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। इट मीन्स 9x इज इक्वल टू 74 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका? 63। ओके, अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 9 किस में है? मल्टीपल में, और 9 इधर जाएगा तो मल्टीपल में, तो किस में हो जाएगा? डिवाइड में। तो x इक्वल टू 63 डिवाइडेड बाय 9, 9 की डिवाइड में 63 कितने टाइम्स आएगा? 7 टाइम्स। इट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई? 7। हमसे पूछे थे थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, तो निकाल लेते हैं, 10 द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, क्या थे? x, x प्लस 1 और x प्लस 2, यही नंबर्स थे। तो बस जस्ट हमें x की वैल्यू पुट करनी है, यहां पर क्या लिखेंगे? 7, इधर हो जाएगा 7 प्लस 1 और इधर हो जाएगा 7 प्लस 2, तो नंबर्स क्या क्या आ गए? 7, 7 प्लस 1 8 और 7 प्लस 2 9, इट मीन्स 7, 8, 9। तो यहां पर आपका ये क्वेश्चन एंड होता है। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ में आपको दे रखा है, द एजेस ऑफ राहुल एंड हरुण आर इन द रेशियो ऑफ 5:7। देखिए, राहुल और हरुण की एजेस का रेशियो दे रखा है हमें। 4 ईयर्स लेटर, मतलब 4 साल बाद,
द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56। दोनों की एजेस को सम करेंगे प्लस करेंगे तो 56 आएगा। तो उनकी प्रेजेंट एज पूछी जा रही है कि एट प्रेजेंट उनकी एज क्या है। तो हमें नहीं पता उनकी प्रेजेंट एज क्या है, तो हम मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल एंड हरुण बी। रेशियो क्या दे रखा है दोनों की एजेस का, 5:7। तो हम इनकी एजेस को मान लेंगे 5x एंड 7x। आपको देखो पहले राहुल है तो पहले राहुल की 5x, देन हरुण है तो हरुण की 7x। तो हमने मान लिया लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल एंड हरुण बी 5x एंड 7x। तो ये हो गई इनकी प्रेजेंट एज। बोल रहा है 4 years later, मतलब 4 साल बाद, आफ्टर 4 years, 4 साल बाद उनकी एजेस क्या होगी। तो 4 साल बाद राहुल एज विल बी कितनी होगी, राहुल की एज कितनी थी 5x, तो 4 साल बाद उसकी एज में मैं 4 को क्या कर देती हूँ एड। फॉर एग्जाम्पल एट प्रेजेंट आपकी एज है 14, तो आपसे 4 साल बाद पूछूंगी तो कितनी एज होगी, तो आप 14 में 4 को एड कर दीजिए, मतलब 4 साल बाद आप 18 ईयर्स के हो गए। तो राहुल एज विल बी 5x प्लस 4 एंड हरुण एज विल बी, हरुण की कितनी हो जाएगी 7x प्लस 4। यहां तक क्लियर हुआ। उसके बाद आपको बोल रहा है कि 4 years later, मतलब 4 साल बाद सम ऑफ देयर एजेस, ये जो इनकी एजेस हैं इनका क्या करना है, मुझे सम करना है, मतलब इनको प्लस करना है। 5x प्लस 4 ये तो राहुल की एज थी, प्लस 7x प्लस 4 ये हरुण की एज थी। दोनों की एज को प्लस करके कितना आ रहा है 56। दोनों की एज को जब मैं प्लस करूंगी तो वो कितनी हो जाएगी 56। इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, 5x प्लस 7x कितना हो जाएगा 12x प्लस 4 प्लस 4 8 इज इक्वल टू 56। अब 8 LHS में प्लस का है, RHS में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो हम लिखेंगे ट्रांसपोज 8 फ्रॉम LHS टू RHS, इट मीन्स 12x इज इक्वल टू 56, प्लस का 8 है इधर जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। 12x इज इक्वल टू 56 माइनस 8 48। ओके, अब 12 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय 12। 12 की टेबल में 48 कितने टाइम्स आता है, 4 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। आपसे क्वेश्चन में पूछा था प्रेजेंटेज, प्रेजेंटेज हमने कितनी मानी थी स्टार्टिंग में 5x और 7x। तो हम लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ राहुल कितनी है 5x, इट मीन्स 5x की वैल्यू कितनी है 4, 5 4 जा 20 ईयर्स। एंड प्रेजेंट एज ऑफ हरुण, हरुण की कितनी है 7x, इट मीन्स 7 into 4 20 8 ईयर्स। ओके, तो यहां पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आपको क्लास 8th की SST की वीडियोस देखनी हो तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।